नमस्कार, मेरा नाम सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ पे जो कि बाहर जो भोली जनता है उसकी आंखें खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा इंटरनेट पे बहुत जगहों पे आपको लिखा मिल जाएगा कि कैसे एक हफ्ते में अपनी साइड का फैट कम करें, कैसे अपनी हिप का फैट कम करें 4 दिनों में 8 दिनों में, कैसे पेट कम करें 10 दिनों में, कैसे छाती का फैट कम करें, छाती की चर्बी कम करें 3 दिनों में, कैसे लव हैंडल गायब करें 5 दिनों में। इस तरीके की आपको इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत वीडियो मिल जाएंगे, बहुत लिखित में कोई चीज़ें मिल जाएंगी। देखो, ये वीडियो आपको ये समझाने के लिए बताया गया है कि इस तरीके के जो वीडियो और जो भी चीज़ आपको बाहर मिलती है उन पे मैं कहूँगा कि आप विश्वास आपको नहीं करना चाहिए। कारण क्या है? इस तरीके की जो आपको वीडियो मिलेंगी जो कहेंगे इतने से दिनों में इतना सब कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये आपको क्या करेंगे, या तो कुछ एक्सरसाइज दिखाएंगे कि ये एक्सरसाइज करके देखो आप, देखो आपको फ़र्क दिखेगा, और या फिर आपको कोई एक पाउडर वाउडर दिखा देंगे कि ये पाउडर आप खा करके देखो, ये गोली आप खा करके देखो, आपको देखो फ़र्क दिखेगा। क्या मैं कहूँगा कि इस तरीके की चीज़ों पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि आपके शरीर में चर्बी थोड़ी ज़्यादा है, तो आप उस चर्बी से परेशान हो तो आप ये वीडियो देख रहे हो। अब कोई ऐसा जादुई तरीका विज्ञान को पता नहीं है जिससे आप एक हफ्ते में अपना मतलब अच्छी खासी चर्बी अभी आपके शरीर में, तब आप इस वीडियो को देख रहे हो मान लो, और कोई ऐसा जादुई तरीका नहीं कि एक हफ्ते में या 5 दिनों में 10 दिनों में वो सारी चर्बी वो गायब हो जाए। अगर आप सही डाइट, सही खाना और सही कसरत करते हो, सही खाने के साथ सही कसरत करते हो, सही डाइट और एक्सरसाइज करते हो, तो एक हफ्ते में आपका कुछ चर्बी कम होगी, आपकी कुछ चर्बी आपकी कम होगी सही डाइट और एक्सरसाइज करने पे, पर यह जो चर्बी होगी ये आपके शरीर के कई हिस्सों से कम होगी। छाती से भी हो सकती है, जांघों से भी हो सकती है, हिप से भी हो सकती है, हाथों से हो सकती है, गले से हो सकती है, चेहरे से हो सकती है, पीठ से हो सकती है, कई हिस्सों से एक साथ कम होगी, ठीक है। और एक हफ्ते में चर्बी जो कम होगी ये इतनी कम होगी है कि आपको एकदम से देख करके इतना फर्क महसूस ही नहीं होगा आपके पिछले हफ्ते की फोटो में, इस हफ्ते की फोटो में आपको इतना महसूस ही नहीं होगा फर्क ही एक हफ्ते में। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक हफ्ते में आपकी एक थोड़ी सी चर्बी कम हुई सही डाइट और एक्सरसाइज से, सिर्फ एक्सरसाइज से या सिर्फ कोई गोली चूरण खाने से नहीं, सही डाइट और सही एक्सरसाइज से आपकी कुछ थोड़ी सी चर्बी कम हुई और वो भी आपके शरीर के कई हिस्सों से कम हुई, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि आपकी साइड से एक हफ्ते में एकदम से कम हो जाएगी, या एकदम से आपकी छाती एक हफ्ते में कम हो जाएगी, आपकी पीठ एकदम से कम हो जाएगी, आपकी जांघें एकदम से कम हो जाएगी, आपका पेट एकदम से कम हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते। आप पिछले हफ्ते की और इस हफ्ते की फोटो देखोगे ना, सही डाइट और एक्सरसाइज करके भी एक हफ्ते में कुछ वजन कम होगा तब भी, तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पता चलेगा शुरुआत में। तो एक आम आदमी जो कि थोड़ा मोटापा लेके चलता है या थोड़ा ज़्यादा मोटापा भी लेकर के चलता है, वो एक हफ्ते में 1.5 किलो 1 किलो 1.5 किलो वजन कम कर लेता है, कि बहुत मोटे लोग 130 किलो 140 किलो, तो 4-5 किलो भी कम कर ले, शरीर से काफ़ी सारा पानी भी निकल जाता है, तो ज़्यादा वजन भी कम कर लेते हैं। पर एक आम आदमी 0.5 किलो 700 ग्राम 800 ग्राम 1 किलो 1.25 किलो 1.5 किलो, पहले हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं, आगे जाते तो और कम होता जाता है ये नंबर, पर इतना वजन कम कर लेता चलो एक हफ्ते में, ठीक है, ये और वो भी सही डाइट और एक्सरसाइज के साथ बता रहा हूँ। और ये जो वजन कम हुआ, आप समझ लो 70-80 किलो का आदमी है, 90 किलो का आदमी है जो मोटा है, वो अपने शरीर से इतना वजन कम करता है 1.5 किलो या 0.5 किलो, तो उसके शरीर पे दिखने में पता ही चलेगा, वो भी कई सारी जगहों से चल गया, तो आप एकदम से कह ही नहीं सकते कि देखो देखो मेरी साइड्स कम हो गई, मेरे लव हैंडल चले गए, मेरी छाती से चर्बी कम हुई, मेरे जांघों से, आपको एकदम से देख के पता ही नहीं चलेगा। ये तो हुई बात अगर आप के शरीर में चर्बी ज़्यादा, अगर कोई आदमी है जिसके शरीर में पहले से चर्बी कम है, वो भी अगर सही डाइट और एक्सरसाइज से कम चर्बी को और थोड़ा कम करे, तो एक हफ्ते में वो थोड़ी कम कर पाएगा, और वो भी उसके शरीर पे ऐसे देख करके एकदम से पता नहीं चलेगा कि इसने कुछ खास फर्क आया है कि नहीं। एक तो उसके पहले से चर्बी कम है, उसमें भी कम में थोड़ी और कम हुई है, तो एकदम से देख के पता नहीं चलेगा, और मोटे आदमी में पहले से चर्बी ज़्यादा है उसमें थोड़ी सी चर्बी कम हुई है तो एकदम से देख के पता नहीं चलेगा। आप सोच रहे हो, आप जब ये जो इंटरनेट की वीडियो देखते हो, आप सोचते हो कि अरे अच्छा एक हफ्ते में कोई तरीका है जिससे एकदम से चर्बी कम हो जाएगी, तो ऐसे कोई तरीका साइंस को पता नहीं जिसमें एक मोटे आदमी एकदम से चर्बी हटा करके उसे एकदम पतला सा कर दिया,
थोड़ा वजन कम हो सकता है सही डाइट और एक्सरसाइज से, पर वो एक हफ्ते में आपको दिखेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा इतना ज्यादा, मतलब हल्का सा फर्क पता चलेगा शायद, वो भी पता ना चले। आमतौर पे एक आदमी को सही तरीके से अच्छा खासा शरीर में दिखने में फर्क आया उतना करने में 2-3 महीने लगते हैं। और कई लोग जो थोड़े ज्यादा मोटे होते हैं या कई लोग बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, 120-30-40 किलो, जो 130-140 किलो, 120 किलो के, तो उनको 1.5 साल 2 साल तक लग जाते हैं। एक आम आदमी को अच्छे खास, मतलब कोई बहुत ज्यादा मोटे आदमी को भी नहीं, तो भी उसको कम करने में 3-4-5-6 महीने लग जाते हैं, और जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं उनको साल 1.5 साल 2 साल भी लग जाते हैं। वो कुछ टाइम तक डाइट पे रहते हैं, 2-3 महीने रहते हैं, फिर वो डाइट से थोड़ा उफतते हैं, फिर वो 15-20 दिन महीने भर कुछ नॉर्मल खाते हैं, फिर वो वापस डाइट पे जाते हैं, फिर वो ऐसा करते रहते हैं बार 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 बार, तब जाके 1.5-2 साल में उनका वजन कम होकर के वो एक नॉर्मल इंसान जितना हो पाता है। और शुरुआत में आपको कोई आपके अंदर बदलाव आया ये देखने में ही आपको करीब 2 हफ्ते 10 दिन 2-3 हफ्ते भी लग जाते हैं कई बार देखने में, क्या रहे, हाँ यार फर्क आ रहा है, फर्क आ रहा है। पहले 1-2 हफ्तों की तो फोटो देख करके लगता है यार फर्क आया कि नहीं आया, कुछ खास फर्क पता नहीं चल रहा है, तो फर्क फर्क देखने में 2-3 हफ्ते लग जाते हैं। 1 हफ्ते में आप सोच रहे हो एकदम से कुछ जादू ही हो जाता है, ऐसा नहीं होता। कोई भी विज्ञान को भाई ऐसी कोई चूर्ण या कोई ऐसी कसरत जादुई नहीं पता जो 1 हफ्ते में आपको एकदम से बदल के रख दे। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो जो वीडियो आपने देखे जो कह रहे हैं 1 हफ्ते में 5 दिन में 3 दिन में 10 दिन में हम एकदम से ये करके देखो ओवर हो जाएगा, तो वो जो कसरत बता रहे हैं वो करके देख लो, वो जो चूर्ण कह रहे हैं वो खा के देख लो, जो पाउडर कह रहे हैं वो खा के देख लो, आपका वहम दूर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट कर सकते हो, अगर दूसरे लोगों को जानते हो जिनके मन में यही सारे भ्रम हैं तो उनके भ्रम तोड़ो, उनको ये वीडियो उनके साथ में बांटो। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, नमस्कार।